फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला ऑटो स्क्रीन लॉक जो पेज वो आप देख सकते हो, वॉलपेपर आप देख सकते हो, बड़े प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, तो इसको कैसे सेट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, यही सब बात करने वाला आप देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूँ, मेरे पास है रियलमी नार्जो 20 प्रो और इसमें आपको बताऊँगा जो लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर होता है जो काफ़ी प्यारे प्यारे लगते हैं, और इसको कैसे सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ और आप लोगों के लिए काम होता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मैगजीन, लॉक स्क्रीन मैगजीन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो ये दोनों आपका हो सकता है, ये दोनों ये ऑफ हो तो इसको ऑन करना है, साथ में इसको भी ऑन करना है, और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा तो इस पर क्लिक करके अपडेट भी कर लेना है। तो बहुत ही आसान है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे अपडेट पे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वेट मोमेंट बोल रहा है क्योंकि अपडेट पे लग गया है। तो इसी प्रकार से आप भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं स्क्रीन लॉक वॉलपेपर मैगजीन को, ठीक है। और यहाँ से वर्ज़न वगैरह दिखेगा कौन सा वर्ज़न सेट है, ठीक है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आइकन स्टाइल पे जाकर के आप आइकन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं बड़े प्यारे प्यारे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपको पसंद है वो सभी आइकन स्टाइल कर सकते हैं, कस्टम पे क्लिक करके खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है, अपने यहाँ से इसको बड़े प्यारे प्यारे, जिसको करने के बाद सेट करने के बाद इसको अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए और ये जो आइकन स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।